Indian Navy has shown its valor once again. It has rescued Pakistani fishermen from the clutches of Somali pirates. सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती। वो ताजरी क्या है, दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता। मिल रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीजें। दुश्मन दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो, ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूर्जा के हिसाब से बात की होगी। तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है। ताट साहब ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हुई है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें। उन्होंने कहा पिछला वजीर आजम कहता था मेरे से फोन पे बात करो, हमने फोन पे बात नहीं की, इस वजीर आजम को लेटर भेज दो। तो और उसमें उन्होंने बड़ी बात ये की, उन्होंने कहा भाईजान जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझाऊँ, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड इट मीन्स दहशतगर्दी। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमरीकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज पूरी दुनिया कह रही है जब तक हिंद महासागर में इंडियन नेवी है सब लोग सुरक्षित हैं। हाल ही में बहुत खतरनाक मिशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने, जिसमें 23 पाकिस्तानी की जान बचाई है सोमालियन के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन के लुटेरों ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ कब्जा में रखा था। अगर इंडियन नेवी इनकी जान ना बचाई होती तो 23 पाकिस्तानी आज मारे भी जाते। इससे पहले भी हमने बहुत मुश्किल मिशन सोमालिया के लुटेरों पे किया था, जिसमें बल्गेरिया के नागरिकों को हमारी नौसेना ने बचाया था, जिसके बाद यूरोपियन देश बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया था, जिसके जवाब में भारतीय नौसेना ने बोला था कि इंडियन ओशन जो ये नाम है वो हमारे इंडिया से ही बना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सुनिश्चित करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लिए हमेशा सुरक्षित है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। भारत अपना कर्तव्य निभाएगा। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। खबर ये है कि पाकिस्तान के किसानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समंदरी डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है, ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का वाला मामला हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं आया। दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उनकी उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। ठीक है, और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है आजकल, कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया चाइना जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से, और बहुत से कंट्रीज अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये बात देखें न्यूज पे कहीं पे आ गई थोड़ी बहुत, कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई, पब्लिक में जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती, और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। ठीक हो गया। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। बिल्कुल है। पिछला वजीर आजम कहता था मेरे से फोन पे बात करो, हमने फोन पे बात नहीं की,
इस वज़ीर-ए-आज़म को लेटर भेज दो, तो इसको फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। तार साहब वैसे अमूमन तो बात तो टेलीफोन पे होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बस छोटा सा एक लेटर लिख के भेजा है और उसमें उन्होंने बड़ी बात ये की है। उन्होंने कहा भाईजान जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझाऊँ, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड इट मीन्स दहशतगर्दी। इसके अलावा जो मेजर बाकी उन्होंने क्या ह्यूमन राइट्स ये वो और ग्रीन अलायंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कैसे तार साहब इसको एनालाइज करते हैं? भारत की देखें वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमरीकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। दूसरा, अमेरिका की अपनी इकॉनमी, अमेरिका की अपनी वीक फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल, जिस तरह मिसाइल से मुराद ये है कि यूक्रेन वार, सारी अटेंशन और पैसा अमेरिका का सक वो कर गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मसला इस वक्त चल रहा है जो इसराइल वार है। तीसरा जो मरीज नजर आ रहा है इस एरिया वो पाकिस्तान है, फाइनेंशियली मरीज है। तो आपको जरूरत है, आप मरीज हैं, आप क्लिनिक ढूंढते फिर रहे हैं, तो वो अमेरिका ने आपको कहा है कि हम आपको दवाई देंगे, लेकिन ये कि आप इस शर्त पे दवाई देंगे, दवाई इस शर्त देंगे ईरान से आपने पाइपलाइन नहीं लानी, एक तो ये चीज है, और सी पैक को फोल्ड करके रखना है जिस तरह खास साहब ने फोल्ड कर दिया था। अब उसमें इस वक्त आप भी, आपके पास भी, आप कोशिश कर रहे हैं हम दोनों तरफ से पैसे ले लें, इधर से IMF से भी पैसे ले लें और उधर से सी पैक से भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो बेहतर है, प्रॉपर्टी को बन जाए और मजीद दुबई और लंदन में, आपकी टारगेट ये है। अब इसमें आगे क्या होता है, आप किस तरीके से चल पाते हैं? अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, ये इलेक्शन विल डिफाइन इवन इन द फ्यूचर ऑफ दैट रीजन एट द सेम टाइम। तीसरी उसमें बात ये है कि आपको पता फिलिपाइन के फिलिपाइन में जो चाइना वहां पे अपने साउथ चाइना सी के अंदर अपने सारा ही कब्जा करना चाहता है उस रूट के ऊपर, जो कि फिलिपाइन भी उस पर अपने क्लेम करता है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब फिलिपाइन गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने भी अपने मसल फ्लैश करने की कोशिश की वहां पे। आप इन सारी चीजों से निकल के आगे इकॉनमी की बात नहीं करना चाहते, आप उस मोड में नहीं है। आपका आधा कंट्री जो है, मैंने आज बल्कि ट्वीट किया, आधा कंट्री शुफ शुफ बन चुका है, काले बकरे, काले जादू पे चलना चाहता है आधा कंट्री आपका। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पर इसहाक डार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं, लोग कहते शुरू शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा, मैं बात अच्छा तबसरा करूँगा, ख़त्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजर, बिल्कुल ठीक है, ताजर है ही ताजर, वो तजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूर्जा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है, वी एक्सेप्ट पीपल नाल, जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तजारत करने दो, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो,